हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। तो जानते हैं, इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर और आप मिलकर ये कोशिश कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि आपकी इनसे बातचीत होती है तो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या आप अपने पर्सन को करें। इवन दो एनर्जीज हैं कि इनडायरेक्टली भी पर्सन आपकी तरफ झुकाव फील करेंगे इस रिश्ते में, बैलेंस से रिलेटेड, जस्टिस करने से रिलेटेड। आप अपने पार्टनर से नाराज चल रहे हैं तो आपके अंदर भी हमदर्दी बहुत ज्यादा रहेगी कि आपको अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए, या आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं। आपकी तरफ देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड क्या है, एट ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन में ऐसा भी नजर आ रहा है गाइस, अगले 24 घंटे के अंदर, कि आपकी बात अपने पार्टनर से हो सकती है या आपके पर्सन से आप खुद बात करें। कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आपके रिश्ते में, आप मिलने जाए या आपके पर्सन। ठीक है, ट्रैवलिंग इज लाइक कि आप सेम सिटी में हैं तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो जाए डिसाइडेड वे में, कैफेटेरिया हो गया या कहीं वहां मिलना है, वहां मिल लेंगे। आज संडे है तो आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपकी चीजों में एक तेजी देखने को मिलेगी, कुछ होपफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है तो फूल। मैंने आपको यही बोला कि ट्रैवलिंग दिख रही है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है, होप देखने को मिलेगी। आप रिस्क ले सकते हैं अपने रिश्ते में, अपने पुराने माइंडसेट को ब्रेक करके अपने पर्सन के साथ, अगर आप जजमेंट फैक्टर से काफी ज्यादा लव लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। इवन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप इस रिश्ते को मौका देंगे, चिंताएं छोड़ेंगे, ठीक है, और न्यू बिगिनिंग की वाइब स्ट्रॉन्ग है कि आप ये सोचे कि यार पुरानी चीजें पुराने, उसमें छोड़ते हैं, एक नए नजरिए से जिंदगी को देखेंगे। पहले जज करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिलने बुला लें और आप पहले भी आपको बुला हो लेकिन आप मिलने नहीं गए, ठीक है, तो आप आज के दिन में ऐसा ट्राई कर सकते हो और आप जा सकते हो मिलने। नेक्स्ट इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की मुलाकात आपसे करा सकते हैं, आप इनके फैमिली से मिलो, इनको अपनी फैमिली में आप इंक्लूड करें, या आपके पेरेंट्स इनसे मिले, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, यहाँ पर यह भी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ फैमिली टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं, शादी से रिलेटेड, शादी में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली की प्लानिंग भी दिखती है। नेक्स्ट इज द लवर्स। आज के दिन में आपके पार्टनर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर सकते हैं, आप अपने पर्सन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर सकते हो, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, बैलेंस अगर आप इस रिश्ते में क्रिएट करना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये चांस दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप इनके साथ रीयूनाइट हो, और उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ बैरियर्स को तोड़ना पड़े या अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, वी हैव द एनर्जी ऑफ द सन। पार्टनर के घर में बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है, दोनों के बीच में कुछ सिचुएशंस क्लियर नहीं थी तो वहां पर क्लैरिटी मिल सकती है, आपको आपके पर्सन मदर फादर से रिलेटेड कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है, या आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको इनसे रियूनाइट करे, या एक्शन शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। वैसे भी इनका कोई एक्शन दिख रहा है, इनका कोई डिसीजन दिखता है जो इनडायरेक्टली आपकी तरफ लेने से रिलेटेड रहेगा, चाहे अपनी फैमिली से डिस्कस करें उस चीज को या और लोगों से एडवाइस लें, बट जो भी होगा कलेक्टिव ग्रुप डिस्कशन से चीजें दिख रही हैं। आपको इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या अपने रिश्ते में किसी तरीके का पॉजिटिव चेंज आपको अगले 24 घंटे के अंदर नजर आ सकता है। सो गाइज, ये थी आपके रिश्ते की अगले 24 घंटे तक की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।